राम राम सभी भाइयों ने। पहले था मैं गंजेपन का शिकार, इसलिए कभी बिना गमछे के न जाता था बाहर। खूब उड़ाया मैंने पैसा, गोलियां, दवाइयां और तेल पर पैसा बारंबार, मगर सर पर एक भी ना आया मेरे बाल। मैंने कर लिया डिसाइड, कराऊंगा हेयर ट्रांसप्लांट। यूट्यूब पे देखी वीडियो, करके मोहित से बात, चल दिया ट्रेन में सवार क्लिनिक की ओर, दिल्ली में पहली बार। 50,000 में हुआ मेरा ट्रांसप्लांट, उसके साथ दी मुझे 6 PRP फ्री, 7 दिन की दवाई फ्री, रहने के लिए AC का कमरा, मस्त मज़े में, और ट्रांसप्लांट वाले ने दिया खाना भी एकदम फ्री। वीडियो में आगे चल के बात करेंगे मोहित भाई से, और अगर जो वीडियो भी आगे पसंद तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मेरा आगे का देखना है आपको रिजल्ट तो कर देना अभी के अभी ऑल के ऑल नोटिफिकेशन ऑन। तो चलिए चलते हैं, बातें करते हैं मोहित भाई से और मिलते हैं आप लोगों से। अगर जो करवाना हो ये ट्रांसप्लांट, मोहित भाई की ले लो हेल्प। हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ बैठे हुए दिनेश चौहान जी, जो कि आजमगढ़ से आए थे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आज से 3 महीने पहले। इन्हों की सर्जरी हो चुकी है आज से 3 महीने पहले, और रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अच्छे से। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आजमगढ़ जी, आपका स्वागत है पहले तो। थैंक यू। और आप ये बताइए कि आपने ट्रांसप्लांट आजमगढ़ से यहाँ पर आके क्यों करवाया? हम यहाँ का थोड़ा सा वो देखे थे ना कि वीडियो वगैरह देखी, यहाँ का जो सिस्टम है मैं देखा था यूट्यूब पे, मुझको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आया था। और जब आप यहाँ पर आए, आपकी सर्जरी हो रही थी, तो आपको ऐसा लगा कि भाई गलत जगह पर आ गया, सही जगह पर आ गया? नहीं, मुझको ऐसा लगा, मुझको बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ सर्जरी टाइम, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 7 से 8 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया। और आपका कितना गंजापन था, आपको फोटो पे दिन नजर आ रहा होगा पहले क्या गंजापन था, क्या कंडीशन में क्या थी। अभी 3 महीने में, 3 महीने शेडिंग फेज होता है, उसके बाद बालों का ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो शेडिंग फेज खत्म हो चुका है, बाल ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे चल के जब भी मिलेंगे कि कैसा प्रोसेस है, क्या है। आप लोगों को बताएं कि भाई जब आप ट्रांसप्लांट करवाया नहीं था तो आप कैसा फील करते थे? पहले तो बहुत एकदम पूरा डर्ट, मतलब बहुत गंदा लग रहा था। अपने आप को हमेशा कैप लगा के कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, हमेशा कैप से या मतलब कुछ ऐसे लगा के रहो। हाँ, अभी ना एक सेल्फी भी नहीं ले सकते थे कभी। हाँ, अब तो बिल्कुल पूरा एकदम अच्छी तरह से जहाँ चाहो वहाँ से एकदम मस्त। एक बार वो दिया ना गमछा जो आपने बताया था, हाँ ये साइड में कर रहे थे इस गमछे को, कह रहे यार इसी को लगा के रखते थे पहले सर के ऊपर, इसे कैप गमछे लगा के। हाँ आप चुप हो जाओ बाबू, अब चुप 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 चुप। हाँ तो फिर ना गमछा लगा रखते थे, कैप लगा करते थे। मैंने इनसे बोला कि पुरानी फोटो दिखाना जो गंजे वाली थी आपके फ़ोन के अंदर, गारंटी नहीं होगी। और देखा इन्होंने सर्च किया तो नहीं, फोटो थी गमछा लगा हुआ, 10 से 15 हज़ार इमेज हमारा, मगर एक भी बिना गंजे वाला नहीं है, एक गंजे वाला कुछ ना कुछ ढका हुआ है ना। तो गंजा अब 1 महीने से बस ऐसे ही एकदम पूरा बिना कैप के अपना हाल बिंदास, बाल लग रहे हैं, अब बाल लग रहे हैं, अब धीरे धीरे फेस का जो लुकिंग है एकदम पूरी चेंज हो, पूरा चेंज हो गया है ना। अब जिंदगी जीने में थोड़ा अलग ही मजा आ रहा है, अलग मजा है ना। हाँ तो और आपने ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इसलिए करवाया कि भाई गंजापन से परेशान हो गए थे, क्लिनिक चूज करा कि भाई वीडियो वगैरह अच्छी है, रिजल्ट वगैरह अच्छे हैं, यहाँ पर से करवाना चाहिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप अपने फ्रेंड वगैरह को सजेस्ट करोगे भाई यहाँ पर आकर करवा लो? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जाएंगे पहले कि पहले हमारा तो रिजल्ट के लिए कितना लोग वेट कर रहे थे, और अब लोग देख के कह रहे हैं हाँ बिल्कुल एकदम जो आप कराए एकदम सही चीज़ करा जाए। अच्छा लोगों को बताओ, लोग हैरान हो जाते हैं जब सुनते हैं कि कितने PRP फ्री मिली, आप बताओ लोगों को कितने PRP? मुझको 6 PRP फ्री मिली है, 6 PRP 3 की बात थी मगर फिर कमलेश सर ने बढ़वा के 6 कर दिया, करा दिया। वो इसलिए दे क्योंकि कंडीशन देखी, सिर्फ पैसे पैसे की बात नहीं है, कंडीशन देखी और बंदे को देखा। पहले तो 3 की बात, 3 की बात हुई, अमाउंट सब लेके 3 की बात हो गई थी, फिर बाद में ऑटोमेटिक कमलेश सर ने आप 6 PR अब आइए उतना दूर से आते मैं आपको 6 PRP फ्री कर दे रहा हूँ। हाँ ये मेरा 4th PRP रहेगा। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे है। बिल्कुल एकदम गुडविल है, और यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिली है आपको? सबसे सुंदर बेस्ट एकदम, बिल्कुल फ्री फ्री है, देखा रहना फ्री, खाना भी फ्री, स्टे भी फ्री, 6 PRP भी फ्री, और मेडिसिन मिली ट्रांसप्लांट वाले के पास 7 दिन इंक्लूड रहता है, 5 डे की मेडिसिन भी फ्री मिली। और अब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं इतने सस्ते में, बंदा क्यों ना करवाए? आपके कितने ग्राफ्ट लगे कुछ समझ आया? मेरा तो लगभग 5,000 तो 5,000 के आसपास, तो 5,000 के आसपास ग्राफ्ट लगे, इतनी डेंसिटी मिली, और क्या हुआ? आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और ये सोचना कि 3 महीने में इतना ही रिजल्ट आता है, आगे चल के जब रिजल्ट बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगा, तो रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और पेशेंट के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई आपका दोस्त फ्रेंड गंजा हो रहा है तो उसे वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी अपना ट्रांसप्लांट करा पाए। सही बात है ना? बिल्कुल है ना। तो ठीक है दोस्तों, दिल्ली में होता है इनका ट्रांसप्लांट, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू वेरी मच भाई साहब। धन्यवाद।